देखिए, अगर आपने अपनी कंपनी से रिजाइन दे दिया है, कंपनी छोड़ दी है पीएफ का पैसा निकालने के लिए, आपको पैसों की ज़रूरत थी और आपको पता है कि पीएफ का पूरा पैसा तभी निकलता है जब आप कंपनी से रिजाइन दे देते हो, और रिजाइन देने के करीब 2 महीने बाद आप पीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कंपनी से रिजाइन दे दिया, तो यहाँ पर दोस्तों रिजाइन देते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, और रिजाइन देने के बाद भी आपको कुछ बातों को फॉलो करना है, तभी आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी दिक्कत आई है। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि रिजाइन हमेशा लिखित रूप में देना है, मतलब कि आपको एक एप्लीकेशन भरनी है, उसमें लिखना है कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ, इस वजह से रिजाइन दे रहा हूँ और इस तारीख को रिजाइन दूंगा, इस तारीख से मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। ये आपको लिखना है बाकायदा एक पेन पेपर पर, उसके बाद अपने HOD डिपार्टमेंट से उसको साइन करवाना है और उसके बाद उसको HR में जमा कर देना है, ठीक है। इस कागज़ की आप एक फ़ोटो खींच के अपने पास ज़रूर रख लें, क्योंकि वो आपको बाद में काम आ सकती है, ठीक है दोस्तों। पहला काम क्या करना है, आपको लिखित रूप में रिजाइन देना है, ऐसा नहीं कि बोल के आ गए, लिखित रूप में ही आपको रिजाइन देना है। दूसरी चीज़ क्या करना है, आपको रिजाइन देने के बाद आप घर पे, ऐसा नहीं कि घर पे आप रिलैक्स बैठे हो और आप सोच रहे हो कि 2 महीने बाद मैं पीएफ के लिए अप्लाई कर दूंगा, कंपनी वाले पीएफ में एग्जिट डेट डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना है, हर 10 दिन बाद, रिजाइन देने के हर 10 दिन बाद आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है, चाहे फ़ोन करो, चाहे कंपनी में विजिट करके आओ, वहाँ पर जाओ, उनको बोलो कि सर मैंने रिजाइन दिया था और मेरा हिसाब अभी तक नहीं हुआ, मेरे पीएफ में डेट अभी तक डली, मतलब उनको किसी ना किसी तरह आप याद दिलाते रहो कि मैं रिजाइन दे चुका हूँ, मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, कंपनी में बहुत काम होता है, मे बी आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपने लिखित रूप में दी थी, पर वो एप्लीकेशन कहीं पड़ी हुई है, कंपनी वालों को पता ही नहीं है कि आपने रिजाइन दिया है, ऐसा हो सकता है। मैंने जब कंपनी से रिजाइन दिया था तो उसके बाद मैंने कंपनी से कॉन्टैक्ट नहीं किया, मैंने करीब 1 महीने बाद कॉन्टैक्ट किया, मैंने उनको बोला सर मेरा पैसा नहीं आया, मेरा हिसाब नहीं आया और मेरे पीएफ पोर्टल पर एग्जिट डेट नहीं डली है। तो मैंने जब उनको 1 महीने बाद कॉन्टैक्ट किया तो पता चला दोस्तों कि मेरा रिजाइन हुआ ही नहीं था, उन्होंने मेरा रिजाइन चढ़ाया नहीं था, जबकि मैं एप्लीकेशन दे के आया था, ठीक है। और उस वजह से मेरा नेक्स्ट मंथ भी पीएफ जमा हो गया, नेक्स्ट मंथ मेरा पीएफ जमा हो गया, और उससे घाटा क्या होगा, उससे घाटा ये होगा कि जब पीएफ जमा हो गया तो पीएफ, इसका मतलब रिजाइन नहीं हुआ, तो इसका मतलब मेरा 1 महीना और डिले हो गया, मुझे पैसे जरूरत अभी थी तो मुझे 1 महीना और रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी गलती आप मत करना, आप कंपनी से बार बार कॉन्टैक्ट करना, उनको बोलना सर मेरा पैसा नहीं आया, मेरा पीएफ का पोर्टल पर एग्जिट डेट चढ़ा दो, मैं रिजाइन दे चुका हूँ। कम से कम 10-15 दिन आप शुरू में ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है जब कभी भी आपको पीएफ निकालना हो, और पीएफ निकालने के लिए ही आपने रिजाइन दिया हो, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको कुछ भी कहना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।